तो हम आगे की तरफ चलते हैं, हम देखते हैं कि हम चीज़ें जो है और कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब आपको प्रॉपर जो है वो वैल्यू मिल रही है, आप स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज आप कोड को मैनेज नहीं कर सकेंगे। मैम बिगिनर्स के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे इसे जो है वो कमेंट करते हैं, आपको वैल्यू मिली, आपने चेक किया, बिल्कुल हाँ वैल्यू मिल रही है। देन आप चेक करवा लें कि वो खाली तो नहीं है, जो जो है ईमेल नॉट, हम कहते हैं कि भाई जो ईमेल हो वो नॉट इक्वल्स टू हो, जब वो खाली ना हो, ठीक है। जब खाली हो तब क्या हो, ठीक है। जब खाली ना हो तो हमें कह दे कि भाई ओके, ठीक है, एंड अदरवाइज हमें अलर्ट करवा दे, प्लीज इंसर्ट अ वैलिड ईमेल, ठीक है। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि प्लीज इंसर्ट अ वैलिड ईमेल, या जो है प्लीज फिल दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, या जैसे भी आप एरर जो है वो प्रिंट करवाना चाहें, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि बजाय अलर्ट के हम यहाँ पे आते हैं, एंड जो है हमने फीडबैक के नाम से टिप बनाई हुई थी उसे जो है टेक्स्ट दे देते हैं, सेम लिखते हैं कि भाई फील्ड रिक्वायर्ड या ईमेल रिक्वायर्ड, ईमेल रिक्वायर्ड। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, खाली लिखते हैं। अगर तो हम जो है एम्प्टी लिखते हैं, खाली छोड़ते हैं, तो रिफ्रेश करते हैं, खाली छोड़ते हैं, क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ईमेल रिक्वायर्ड। तो आप कोड को जैसे चाहे मैनेज कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए हमें वैल्यू जो है वो खाली वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वैल्यू देना चाहते हैं तो ईमेल, आपने वैल्यू ऑलरेडी चेक की हुई थी पहले कि हमें वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है, अदरवाइज वैल्यू आपको मिल रही है, ठीक है। अब आपको वैल्यू भी मिल रही है, देन आप एजेक्स कॉल करवाएंगे, डॉलर एजेक्स, ठीक है। आपको पता है कि एजेक्स हम कॉल करवाएंगे, सबसे पहले यह है कि टाइप जो है वो क्या रखते हैं आप। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि भाई पोस्ट टाइप होता है, कॉमा से हम सेपरेट करेंगे, हम डेटा जो है वो सेलेक्ट करेंगे कि डेटा जो है वो क्या जा रहा है। ईमेल इक्वल्स टू, ईमेल इक्वल्स टू प्लस ओरिजिनल ईमेल जो यूजर की तरफ से आ रहा है, ठीक है। एंड देन हम कॉमा से जो है वो सेपरेट करेंगे, एंड देन हम बताएंगे कि भाई यूआरएल सेंड कहाँ पे होगा। देन आप यहाँ देखेंगे कि फॉर इंस्टेंस पीएचपी का मेरे पास एक जो है फोल्डर है, एंड देन उसके अंदर होम डॉट पीएचपी के नाम से मेरे पास वैल्यू है, ठीक है। देन आपको पता है कि जैसे ही सक्सेस हो तब क्या हो, एक फंक्शन चले, हम जैसे ही सक्सेस होगा तो वहां से हमें डेटा इस वेरिएबल के अंदर मिलेगा, एंड देन हम उस वेरिएबल को फिलहाल के लिए अलर्ट करवा देते हैं जो हमें मिल रहा है, ठीक है। हम यहां आते हैं, फिलहाल के लिए हम एको करवा देते हैं किसे, ये जो इस अब ईमेल के अंदर वैल्यू जा रही है। आप पोस्ट के जरिए भी सेंड कर सकते हैं डेटा, गेट के जरिए भी जो है वो डेटा सेंड कर सकते हैं। मैं इस पोस्ट और गेट की बात नहीं कर रहा, आप यहाँ भी गेट लगा सकते हैं। देन आपने जो फर्स्ट लेक्चर्स में आपने देखा था कि गेट के जरिए आप कैसे जो है वैल्यू सेंड करवा रहे थे, गेट ऐसे कुछ था, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे आते हैं, एको करवा देते हैं, हम जो है वैल्यू सेंड कर रहे हैं पोस्ट मेथड से, एंड हमने यहाँ पे ईमेल दिया हुआ है वेरिएबल का नाम, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे भी ईमेल देंगे वेरिएबल का नाम। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करते हैं, एंड यहाँ पे आने के बाद info@shakzi.com लिखते हैं, क्लिक करते हैं, एरर आ रहा है, जाहिर सी बात है आप एरर जो है कंसोल डॉट लॉग में जाके चेक करेंगे। देन क्लिक करेंगे, आपका एरर क्या आ रहा है, यहाँ पे आएंगे आप, डेटा ईमेल
आपका यहाँ पे है डेटा ईमेल, सॉरी इक्वल्स नहीं है हमारा यहाँ पे, ठीक है। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, कोई भी एरर नहीं है, आप देख सकते हैं info@shikzi.com, क्लिक करेंगे तो वो आपको बता रहा है कि भाई ये एरर है, अनडिफाइंड इंडेक्स ईमेल इन XAMPP, कह रहा है ऐसा जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो डिफाइन नहीं की गई ईमेल। हम ऐसा कर देते हैं, आप नाराज ना हो, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं एंड देन info@shikzi.com, तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर आपकी वैल्यू आ रही है। तो आप आउट ऑफ बॉक्स आपको सोचना होगा कि भाई कहीं मैंने स्पेस दी है उसकी वजह से तो कोई एरर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप बार बार कोड चेक करेंगे कि भाई आपका जो है एरर क्यों आ रहा है, तो कोड तो बिल्कुल मेरा ठीक था लेकिन ये पता है कि आपको मैंने जस्ट जो है स्पेस दिया हुआ था, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आखिरी बार हम देते हैं info@shikzi.com, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर यहाँ से आपने वैलिडेशन की हुई है तो यहाँ पे आप वैलिडेशन सेट करें या ना करें आप पे डिपेंड करता है, हम जो है जल्दी से कर लेते हैं। इस सेट हो क्या डॉलर पोस्ट ईमेल, ठीक है, देन हम यहाँ से रिसीव कर लेते हैं बिकॉज ईमेल के अंदर हमारा ईमेल सेंड हो रहा है, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे ईमेल से ही रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। हमने अभी तक जो है वो डेटाबेस का कनेक्शन नहीं बनाया है, एंड जो हमने डेटाबेस बनाया था उससे भी हम कनेक्ट नहीं हुए, सर्वर से भी कनेक्ट नहीं हुए, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं सबसे पहले हम, ठीक है, MySQL कनेक्ट जो है हम प्रेस करते हैं, 3 जो है आर्ग्यूमेंट लेता है। फर्स्ट में ये लोकल होस्ट हम सर्वर से कनेक्ट होने जा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड में रूट, थर्ड वन जो है वो ऐसे ही होगा और हम डाई कर देते हैं, ठीक है। इसे आप इफ के अंदर भी रख सकते हैं या और डाई भी कर सकते हैं, डाई के अंदर आप लिख सकते हैं कि भाई सर्वर से नॉट कनेक्टेड विद सर्वर, ठीक है। श्योर सेमी कॉलन देंगे, रिफ्रेश करेंगे info@shikzi.com, कुछ भी शो नहीं हो रहा बिकॉज हम सक्सेसफुली जो है वो कनेक्ट हो चुके हैं सर्वर से। अगर हम यहाँ पे रूट नहीं देते एंड यहाँ पे हम लोकल होस्ट नहीं देते, वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे info@shikzi.com, क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉपर जो है वो एरर दे रहा है बिकॉज जो है हम डाई का फंक्शन यूज कर रहे हैं। एंड देन अगर हम इसे इफ के अंदर रखवा लें, ठीक है, आप इफ के अंदर रख लें इसे ताकि आप जो है वो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इफ के अंदर एको ओके एल्स नॉट ओके, ठीक है। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे तो आपका ओके बता रहा है। क्या हो गया भाई, हम चेक करते हैं कि हमने MySQL बिल्कुल प्रॉपर हमारा ऑन है बिकॉज MySQL आपने चेक कर रहा है। लोकल होस्ट एंड देन रूट, ठीक है, इन्फो ओके बता रहा है। हम अगर हम इसे कहते हैं कि भाई इक्वल्स टू वो फॉल्स के, अगर ये फॉल्स हो तब हमें बताए कि भाई नॉट ओके, अदरवाइज जस्ट हमें बता दे कि भाई ओके, ठीक है, ओके बता रहा है। एंड देन अगर हम पासवर्ड रखते हैं कुछ भी, ठीक है, देन वो नॉट ओके बता रहा है आपका। एंड देन
एरर इसी वजह से आपको दे रहा है कि आपने यहाँ पे ऐड नहीं लगाया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं रिफ्रेश करने के बाद info@shakzi.com नॉट ओके बिकॉज हमने कोई भी सेट नहीं किया हुआ, आप एरर देंगे। तो अगर आपका डेटाबेस जो है वो जो है हम अब ऐसा करते हैं कि डेटाबेस को जो है कनेक्ट करवाते हैं MySQL सेलेक्ट डीबी, देन डेटाबेस का नेम देंगे कि भाई डेटाबेस का नेम क्या है। आपको पता है कि एजेक्स के नाम से हमने डेटाबेस का नेम दिया हुआ है। वापस जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, एजेक्स क्लिक करेंगे, ओके आपको बता रहा है। तो यहाँ पे आप इसे आप खत्म कर दें या ये इफ उसके अंदर रखें। ठीक है, हम यहाँ पे ईमेल प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, info@shakzi.com। ठीक है, आपको डेटाबेस से भी आप कनेक्ट हो गए, यहाँ से सर्वर से भी कनेक्ट नहीं दें, डेटाबेस से भी कनेक्ट हैं। अब आप क्या करेंगे, आप प्रॉपर जो है वो क्यूरी बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है,